That's not enough, said the father quietly. How did you get hold to of this word? अब देखो क्या होता है, जो सर के होता है वो क्या बोलता है अथुर का बड़ा भाई कि ये जो है मैंने इसको मेरे हाथ में है, तो ये क्या है मेरी स्वॉर्ड है, मतलब मैं ही क्या हूँ राइट किंग हूँ। तो उसके जो डैडी होते हैं सर एक्टर वो क्या बोलते हैं कि नहीं ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, ओके तुमको ये कैसे स्वॉर्ड मिली वो बताओ, ये तलवार कैसे मिली वो बताओ। आई हैव गॉट इट एंड दैट्स वॉट मैटर्स, के रिप्लाइड स्टबर्न एज एवर। तो वो क्या बोलता है कि मुझे ये मिल गई है इतना ही काफ़ी है बस, और एकदम गुस्से में आ जाता है। Well then, come with me, Sir Ector said, and led his son inside the great church, which was now empty. तो देखो वो क्या बोलते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ में। और वो सर एक्टर जो होते हैं, मतलब सर के जो डैड होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बेटे को लेकर चर्च के अंदर जाते हैं, और चर्च क्या रहता है तभी empty. Taking the holy book from the chore, Sir Ector said to the son, swear on the holy book that you drew the स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन। तो देखो वो क्या करते हैं, चर्च में से उनकी होली बुक यानी कि बाइबल वो उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसकी स्वेयर खाओ, मीन्स तुम कसम खाओ इसकी कि तुमने ही ये तलवार निकाले हो स्टोन में से। सर के लोवर्ड हिज आइज, तो जो सर के होता है जो उनका बेटा होता है सर एक्टर का, वो अपनी आँखों को नीचे कर लेता है। ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ, और वो अपने डैड को अब फेस नहीं कर पा रहा था। हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन, सर एक्टर आस्क हिम वंस अगेन। तो वो जो उसके डैड थे उन्होंने वापस से पूछा कि तुमको ये स्वॉर्ड, ये जो तलवार है तुमको कैसे मिली। अर्थुर ब्रॉट इट टू मी फादर, सेड के स्टिल विथ हिज आईज लोवर्ड। तो उसने क्या बोला कि जो अथुर है उन्होंने, मतलब अथुर ने मुझे ये लेकर आकर दिया। स्टिल विथ हिज लोवर्ड आईज मीन्स अपनी आँख नीचे करके वो अथुर का नाम ले लिया कि अथुर ने मुझे ये तलवार ला कर दिया। Bring Arthur here and let the three of us go to the churchyard. तो उन्होंने क्या बोला सर एक्टर ने कि लेकर आओ अर्थुर को भी इधर, और हम तीनों मिलकर कहाँ जाएंगे, चर्च यार्ड में। सर एक्टर टोल्ड हिम वी हैव टू नो द ट्रूथ अबाउट दिस, तो सर एक्टर ने ये बोले कि हमको इसकी सच्चाई जानना है। सून द थ्री ऑफ देम वेर एट द चर्च यार्ड, तो जल्द से जल्द वो तीनों जन कहाँ गए, चर्च यार्ड पे चले गए। पुट द स्वॉर्ड बैक ऑन इट्स एनविल, सर एक्टर सेड टू के। अब देखो वो जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसको वापस से उन्होंने स्टोर में डाले और फिर बोले, बट ट्राई एज ही माइट के कुड नॉट पुट द स्वॉर्ड बैक, इट स्ट्रक द एनविल एंड स्लिड ऑफ द ब्लॉक। तो सर के जो उनका बड़ा बेटा था सर एक्टर का, उसने फिर बहुत कोशिश करा निकालने की लेकिन वो उससे नहीं निकली। अर्थुर सॉ व्हाट वॉज हैपनिंग एंड थॉट दैट हिज फादर वॉज एंग्री विथ हिम बिकॉज ही थॉट द स्वॉर्ड वॉज स्टोलन। तो देखो अर्थुर को तो स्टोरी पता नहीं थी वो स्वॉर्ड और स्टोन की, तो वो सोचने लगा कि उसके डैडी जो है वो गुस्सा है क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे चर्च यार्ड में से वो तलवार लेकर आके अपने भाई को दिया, मतलब मैंने चोरी करा ऐसा उनको लग रहा है। सर एक्टर हैड ऑलवेज टोल्ड हिज सन्स, व्हाट मैटर मोस्ट ऑफ फॉर अ नाइट इज इंटीग्रिटी, बींग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एट ऑल द टाइम्स ऑन ऑल ओकेशन। तो वो क्या बताते थे अपने बच्चों को कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, कितना भी कुछ भी हो जाए सच बोलो। अर्थुर स्टेप्ड फॉरवर्ड इम्प्यूसली, यर लेट मी पुट इट बैक। तो देखो अर्थुर ने क्या करा, वो लिया वो तलवार को और बोला कि लाओ मुझे वो वापस रखने दो। ही सेड एंड टेकिंग द माइटी स्वॉर्ड फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर ही थ्रस्ट इट बैक ऑन द एनविल एंड इट स्लिप्ड इन नीटली। अब देखो जो तलवार थी वो वापस अंदर भी नहीं जा रही थी, किसके हाथ से, बड़े भाई से सर कैसे, लेकिन जब अथुर ने लेके वो स्टोन के अंदर वो तलवार को डाला तो वो इजीली वापस अंदर चली गई। आई एश्योर यू फादर आई डिड नॉट स्टील द स्वॉर्ड, के नीडेड अ स्वॉर्ड अर्जेंटली। तो देखो वो क्या बोलने लगा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फादर कि मैंने ये तलवार को चोरी नहीं किया, जो सर के है जो बड़ा भाई है उसको बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज़रूरत थी उसको, जल्दी में था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू कीप हिम वेटिंग, और मुझे उसको रुकाना नहीं था। Rather than ride all the way home, I decide to take the sword which I found in the churchyard. तो मैंने सोचा कि मैं पूरा वापस अपने घर पे जाकर तलवार लूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं यहीं से चर्च यार्ड में से वो तलवार को ले लूँ। And see it is back in its place now, और देखो मैंने वो वापस ला के उसमें रख दिया। I fully intended to put it back in place after the tournament, मैंने पूरा ये इरादा करा था कि जब टूर्नामेंट हो जाएगा तो मैं उसको लाकर वापस रख दूंगा। एंड ग्लेजिंग एट हिज ब्रदर ही एडेड, आई एम श्योर दैट इज़ व्हाट के वुड हैव टोल्ड मी टू डू, वुडंट यू ब्रदर।
तो देखो उसने बोला कि ऐसी तुमने मुझे के करने बोले थे ना, है ना ब्रदर? सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, तो जो सर के था उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। ऑल राइट अथुर, आई बिलीव यू, सेड सर एक्टर। तो देखो सर एक्टर ने क्या बोला, अच्छा ठीक है बेटा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ द स्वॉर्ड आउट एज यू डिड द फर्स्ट टाइम फर्स्ट यू के। तो उनने बोले कि मेरे को अब देखने का है कि तुमने कैसे इसमें से तलवार निकाले थे, लेकिन पहले तुम निकालो, सर के को बोले। बट ट्राई एज ही माइट, के कुड नॉट सो मच एज ग्रिप द हैंडल। तो देखो उसने बहुत कोशिश किया सर के ने, लेकिन वो स्वॉर्ड को निकाल नहीं पाया। एंड ही कुड नॉट मूव द स्वॉर्ड हाउएवर हार्ड ही ट्राइड, और वो कितनी भी कोशिश कर लिया लेकिन उससे वो तलवार नहीं निकली। नाउ इट्स योर टर्न अथुर, सेड सर एक्टर स्टर्नली। तो वो एकदम गुस्से में फिर अपने भाई को बोला कि अब तुम्हारा टर्न है, आ जाओ अथुर। अथुर ग्रिप द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड एंड ड्रू द स्ट्राउट स्वॉर्ड आउट जेंटली बट फर्मली। अब जब अथुर ने वो तलवार को निकाला तो वो एकदम अच्छे से उससे निकल गई। सर एक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन। तो जो सर एक्टर थे, जो उनके डैड थे, वो उसको वो एक्शन बार बार रिपीट करने लगा है। ईच टाइम अथुर ग्रिप द हैंडल एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट विदाउट एनी हेसिटेशन। तो वो बहुत आसानी से, जो सर अथुर है सॉरी अथुर जो है वो इजीली से उसे निकाल ले रहा था। सर एक्टर वॉज ओवरवेलम्ड, ही फेल ऑन हिज नी बिफोर हिज यंग सन हु हेल्ड द माइटी स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड बोर्ड हिज हेड इन डीप डिवोशन वर्डलेसली के फॉलोड हिज एग्जाम्पल। सर एक्टर जो थे वो एकदम खुश हो गए और उन्होंने अपने घुटनों पे बैठकर अपने, मतलब वो तलवार को जब वो अथुर ने एकदम इजीली निकाला तो वो एकदम घुटने पे बैठ गए। अथुर जंप बैक इन सरप्राइज, फादर व्हाई डिड यू नील बिफोर मी। तो वो एकदम खुद भी नीचे बैठ गया कि तुम मेरे सामने ऐसा झुक क्यों गए फादर। आई एम नॉट योर सन, एम आई नॉट योर सन, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। दैट इज वॉट आई हैड थॉट अंटिल नाउ, सर एक्टर रिप्लाइड। तो देखो सर एक्टर ने बोले कि मैं भी अभी तक का यही सोचता था कि तुम मेरे ही बेटे हो। बट नाउ आई नो बेटर, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई नो हू सन यू आर, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम किसके बेटे हो। यू आर द सन ऑफ द गुड किंग उथुर, यू आर द सन ऑफ द गुड किंग उथुर। अब तुम किसके बेटे हो, हमारे अच्छे किंग के उथुर के। पेंड्रागन एंड आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ द ब्रिटेन नाउ। तो देखो किंग उथुर पेंड्रागन, उनको पब्लिक ने क्या नाम दी थी, पेंड्रागन, और उनका ही बेटा था ये कौन, अथुर। सो एंड आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ ब्रिटेन नाउ, तो मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूँ क्योंकि तुम अब हमारे किंग हो। हाउ कुड दैट बी, तो ये कैसे हो सकता है। यू एंड आई नो दैट आई वॉज एन ऑर्फन बॉय एंड ट्रस्टेड टू योर केयर, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों को तो ये पता है कि मैं जो हूँ वो अनाथ आश्रम से लिया गया था, राइट। साइलेंटली सर एक्टर पॉइंटेड टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोन विच अथुर हैड नॉट सीन अंटिल। तो साइलेंटली उन्होंने उसे वो पत्थर पे दिखाया कि क्या लिखा हुआ है जो अभी तक अथुर ने देखा नहीं था। हुसो पुल्ड आउट द स्वॉर्ड इज बाय राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड। जो भी ये तलवार को निकालेगा वो पैदा ही, मतलब किंग पैदा हुआ था, वो पैदाइशी किंग है। बट इट कांट बी मी फादर, आई एम योर सन एंड आई शॉल ऑलवेज रिमेन योर सन। तो उसने क्या बोला, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता फादर, मैं तुम्हारा बेटा और मैं हमेशा तुम्हारा ही बेटा रहूँगा। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड मर्लिन अपीयर्ड बिफोर देम, अ हुडेड फिगर विद ब्राइट शाइन आईज, अ बीविचिंग स्माइल। देखो एक फ्लैश ऑफ लाइट आई, एक लाइट आई और वहाँ पे एक मर्लिन अपीयर्ड हुई, ओके। ही हुडेड फिगर विद अ ब्राइट शाइनिंग आईज एंड बीविचिंग स्माइल, लवलिंग इज लेड इज हैंड ऑन अथुर्स हेड एंड सेड टू हिम, इंडीड आई वॉज द वन हु एंट्रस्टेड यू टू गुड सर एक्टर फॉर योर ओन सेफ्टी। तो वो जो मर्लिन थी उसने बोली कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें सर के पास में रखाया था ताकि तुम सेफ रहो। Your father and I knew that great danger lay ahead for the kingdom and yourself.
तुम्हारे फादर को और मुझे ये पता था कि किंगडम पे बहुत डेंजर आने वाला है और तुम पे भी। नो सूनर देन यू वर बॉर्न योर फादर ब्लेस्ड यू एंड हैंडेड यू ओवर टू मी विद अ सॉलमन रिक्वेस्ट दैट यू वुड टेक योर राइटफुल प्लेस ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड व्हेन इट वाज सेफ एज सेफ फॉर यू टू डू सो। उन्होंने तुम्हारे फादर ने मतलब तुमको मेरे हाथ में देके बोले थे कि तुमको इसको सेफ रखना है जब तक कि मतलब ये एकदम अच्छे से प्रिपेयर ना हो जाए इंग्लैंड का किंग बनने के लिए। टर्निंग टू सर एक्टर मर्लिन सेड इन द नेम ऑफ द लेट किंग उथुर आई थैंक यू। तो देखो उस वो मर्लिन ने उनकी तरफ देखकर क्या बोला कि इन द नेम ऑफ द लेट किंग मतलब वो जो मर चुके हैं लेट किंग किंग उथुर मैं तुमको उनकी तरफ से थैंक्स करता हूँ। यू हैव डन अ स्प्लेंडिड जॉब ऑफ ब्रिंगिंग अप द हायर टू द ब्रिटिश थ्रोन। तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया है वो इंसान के लिए जो यहाँ का राजा बनने वाला है। नाउ यू मस्ट इन्फॉर्म द आर्चिप शॉप एंड यू आर फॉलो नाइट्स ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड हियर आई शॉल अवेट योर रिटर्न। अब तुम सबको इन्फॉर्म कर सकते हो। फोर्थ विद सर एक्टर कॉल्ड अपॉन द आर्चिप शॉप एंड ऑल लॉर्ड्स असेंबल्ड एट द टूर्नामेंट। तो सर एक्टर ने सबको बुलाया जो जो टूर्नामेंट में थे। होल्डिंग अथर बाय द हैंड ही अनाउंस टू द असेंबली बिहोल्ड द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा अथुर का और उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि ये है राइटफुल किंग कहाँ का इंग्लैंड का। फॉर अ मोमेंट देयर वाज साइलेंस एंड देन द क्राउड बर्स्ट आउट इन एंग्री प्रोटेस्ट। थोड़े देर तो सब शांत है उसके बाद में सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। हाउ कैन वी बिलीव यू हम तुम्हारा यकीन कैसे करें। हु इज़ दिस अननोन बॉय ये अजनबी इंसान कौन है। वेयर डिड ही कम फ्रॉम ये कहाँ से आया है। हाउ इज़ ही एनी बेटर देन वन ऑफ अस ये कैसे हमसे बेहतर हो सकता है। द आर्चिप शॉप टुक देम ऑल टू द चर्च यार्ड द एंटायर असेंबलेज वॉच्ड इट आउट एज अथर इंसर्टेड द स्वॉर्ड इन टू द एनविल एंड ड्रू इट एफर्टलेसली। तो सब ने चर्च यार्ड पर जमा हुआ है और वापस से अथुर को ये करने लगा है। तो अथुर ने बहुत मतलब बिना ज़्यादा एफर्ट किए एकदम इजीली वो स्वॉर्ड को स्टोन में डाला और बाहर निकाल लिया। सम ऑफ द लॉर्ड्स एंड नाइट्स ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ द स्वॉर्ड बट फेल टू डू सो। बहुत सारे लोगों ने तभी भी कोशिश करे लेकिन किसी से भी वो नहीं हुआ। अगेन एंड येट अगेन अथुर ड्रू द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन बिफोर हिज पीपल। बार बार अथुर एकदम ईजीली वो स्वॉर्ड को निकाल ले रहा था। ईच टाइम चीयर्स वेंट अप एंड ईच टाइम मोर एंड मोर नाइट्स ड्रू द स्वॉर्ड एंड हेल्ड देम हाई इन अ गेस्चर ऑफ लॉयल्टी टू देयर न्यू फाउंड प्रिंस। तो एक एक टाइम जब जब वो तलवार स्टोन में डाल के निकाल रहा था सब खुशी से चिल्लाने लगे कि एक हमें वापस से एक प्रिंस मिल गया। लाउड चीयर्स रोज फ्रॉम द कॉमन पीपल हु हैड सराउंडेड द चर्च यार्ड एगर टू ग्रीट देयर न्यू किंग। सब जोर जोर से चीयर कर रहे थे क्योंकि वो लोग अपने न्यू किंग का वेलकम कर रहे थे। नाउ मर्लिन स्टेप्ड आउट ऑफ द शैडोज एंड एड्रेस द क्राउड्स Behold, O people of Britain, I present to you the one and only son of King Uther Pendragon and his queen. He is your rightful king. तो वो जो मर्लिन था उसने बोला कि सुनो सारे ब्रिटेन के वासियों मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो किंग उथुर थे और उनकी किंग उथुर पेंड्रागन थे और उनकी जो क्वीन थी उन दोनों के ये बेटे किंग अथुर राइटफुल किंग है ब्रिटेन के। ओके सुनाओ The chapter is ended.